तो आज हम लोग आए हैं फूड एक्सप्रेस, वो भी आनंदी होटल में, फिर से रीब्रांड होके आया हुआ है। मैंने पहले भी फूड एक्सप्रेस का वीडियो बना रखा है, बट आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और आज हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ के न्यू डिशेस, और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या नए ऐसे डिश आए हैं जो आप आ सकते हो और बलिया में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैं आया हूँ और आपको वर्चुअली दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि कैसा टेस्ट है, और आप आके यहाँ पे उस टेस्ट को एंजॉय कर सकते हो। तो हाँ जी, आ गए अभी हम रेस्टोरेंट के अंदर, और फूड एक्सप्रेस में आज ट्राई करने वाले हैं अलग अलग क्यूज़ीन, जो कि आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था। तो चलते हैं, अपने लिए कुछ ऑर्डर करते हैं। तो मेन्यू में तो अभी दिख रहा है साफ साफ वेज और नॉन वेज दोनों है, तो अभी देखते हैं अपने लिए क्या मंगा सकते हैं। और हाँ, वीडियो देखते रहना। स्टार्टर्स में मैंने क्या ऑर्डर किया था अभी बताता हूँ। ये है अपना भरवा टंगरी, और ये नॉनवेज है, साथ में है तंदूरी मोमो जो कि ये प्योर वेज है, साथ में है स्टफ्ड सोया चाप। अब भाई ट्राई करना है इतने सारे चाइनीज डिश, तो चाहिए हमें चटनी, और चटनी के साथ तो भाई डिश का टेस्ट थोड़ा सा और मज़ेदार होगा। ट्राई करते हैं वेज से, और वेज में है अपने पास मोमो, तंदूरी मोमो। अब इसको हम ट्राई करेंगे साथ में कि क्या है भाई टेस्ट। तो टेस्ट को ट्राई करने के लिए तो पहले चटनी चाहिए, और चटनी के साथ मोमो, अपना देसी स्टाइल। तो खाते हैं। टेस्ट बहुत है, तंदूरी मोमो है तो तंदूर के साथ जो आया हुआ है ना, बहुत से सही लगा है। अब चलो ट्राई करते हैं नॉनवेज में। नॉनवेज में अपने पास है भरवा टंगरी। अब इस टंगरी की क्या क्वालिटी है भाई, अब मैं आपको सामने दिखाने वाला हूँ। तो ये है अपना भरवा टंगरी। तो इस टंगरी को भाई लेग पीस है, और टंगरी को टेस्ट करते हैं। तो ये जो भरवा टंगरी है बहुत ही अलग टेस्ट है, मतलब चिकन जो लवर होंगे ना, नॉनवेज जो ट्राई करते होंगे, उनको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि एक बार कुछ अलग डिश ट्राई करना है तो नॉनवेज में ये ट्राई कर सकते हो भरवा टंगरी। तो अब ट्राई करते हैं स्टफ सोया चाप, और सोया चाप आप देख लो, ये आए हुए हैं सोया चाप, ये है इसके अंदर फिलिंग भरी हुई है, तो ये देख सकते हो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो फिलिंग भरी हुई है। वैसे तो दिल्ली का सोया चाप बहुत ही फेमस है, और इनफैक्ट इनका जो फ्रेंचाइजी है ये भी दिल्ली से ही है। तो मैं ट्राई करता हूँ। जो तंदूर का टेस्ट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है। और इतने डिशेस ट्राई करने के बाद तो सब धीरे धीरे ठंडा होता है, तो लेकिन ये इसके अंदर जो भरा हुआ है टेस्ट सोया चाप का, वो सही लग रहा है। तो हाँ जी, आपके सामने आ गया है ये पूरा का पूरा मेन कोर्स। अभी हम ट्राई करेंगे हांडी चिकन, साथ ही में कढ़ाई पनीर, थोड़ी सी राइस मैंने मंगाई है, और ये रहा अपना लच्छा पराठा, और साथ में है बटर नान। तो इन सारे डिशेस को ट्राई करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि इसका एक्सपीरियंस कैसा और इसका टेस्ट कैसा है। टेस्ट ही सब कुछ बताने वाला है। ये देख लो, ये है कढ़ाई पनीर। क्वांटिटी ये बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपने लिए बहुत ही थोड़ा ऑर्डर किया हुआ है ताकि मैं इसको फिनिश कर सकूं। तो अभी ट्राई करते हैं अपने वेज के साथ, वेज कढ़ाई पनीर और लच्छा पराठा। लच्छा पराठा और ये बहुत सही। तो अभी लेते हैं हांडी चिकन। हांडी चिकन में लेग पीस के साथ भाई, लेग पीस ज़बरदस्त, और ग्रेवी एकदम ज़बरदस्त।
तो भाई इसको मैं ट्राई करूँगा बटर नान के साथ। तो अभी ट्राई करते हैं भाई हांडी चिकन और हांडी चिकन बटर नान के साथ। चलो, ये बटर नान इतनी चीज़ी होती है ना कि खिसता ही चला जाता है। अभी ये देखो ग्रेवी इतनी जानदार है और इसमें मुझे लग रहा है ये कीमा भी है, मतलब चिकन का कीमा भी है। भाई देखो मैं तो नॉनवेज लवर हूँ, वेज भी सही लग रहा है और नॉनवेज भी सही लग रहा है, दोनों का टेस्ट ज़बरदस्त है, ट्राई कर सकते हो, ज़रूर मज़ा आएगा। अभी ट्राई करते हैं हांडी चिकन। और जो चिकन के पीस है ना बिल्कुल सॉफ्ट है, ये देखो मतलब मज़ा आ जाएगा। तो चलो भाई अब राइस को ट्राई करते हैं और साथ में ग्रेवी ले लेते हैं। इसमें एक के पीसेस हैं तो ये काफ़ी डिफरेंट है। टेस्ट बहुत सही आ रहा है, ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा सही टेस्ट आ रहा है, जिससे मैं अलग ही, इसका जो फ्लेवर है वो भी बहुत ऑथेंटिक है, बहुत ही जानदार है। तो हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, स्टार्टर्स मेन कोर्स, काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी डिलीशियस डिशेस थे। मैं यही रिकमेंड करूँगा, आओ एक बार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और बलिया से हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करोगे तो हमारे चैनल से जुड़े रहोगे और सारी अपडेट्स पाते रहोगे। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट। जो मज़ा हाथ से आता है वो चम्मच चम्मच से नहीं आता है।